नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि शालिग्राम की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है इस बारे में। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। भगवान विष्णु के निराकार तथा विग्रह रूप को शालिग्राम कहते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव का उनके निराकार रूप शिवलिंग का पूजन होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का विग्रह रूप शालिग्राम है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति रूप के साथ निराकार विग्रह रूप के पूजन का भी विधान है। श्रीहरि के शालिग्राम रूप का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण श्रीहरि विष्णु हृदयहीन शिला में बदल गए थे। उनके इसी रूप को शालिग्राम कहा गया है। आइए जानते हैं शालिग्राम क्या है और उनके पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है शालिग्राम? धार्मिक मान्यता के अनुसार शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह रूप को कहा जाता है। यह नेपाल के गंडक या नारायणी नदी की तली में पाए जाते हैं। यहाँ पर सालग्राम नामक स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ उनके इस रूप का पूजन होता है। कहा जाता है कि इस ग्राम के नाम पर ही उनका नाम शालिग्राम पड़ा। वैज्ञानिक आधार पर शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर होता है, जिसे जीव वैज्ञानिक एमोनॉइड जीवाश्म कहते हैं। ये जीवाशय विशिष्ट गुण युक्त होते हैं। ये पत्थर काले, गोल, अंडाकार, सुनहरी आभा लिए हुए कई तरह के होते हैं। उनके अलग अलग रूप का संबंध भगवान विष्णु के विविध रूपों से माना जाता है। शालिग्राम के विविध रूप क्या हैं? अपनी आकृति, रंग, रूप और चिन्ह के आधार पर शालिग्राम के कई रूप देखने को मिलते हैं। पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम भगवान का उल्लेख है, जिसमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार का प्रतीक है। कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। कैसे करें शालिग्राम का पूजन? शास्त्र में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम पत्थर की भी रोजाना पूजा करते हैं, उस घर में दरिद्रता कोसों दूर रहती है। इतना ही नहीं, वही घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। आइए जानते हैं शालिग्राम भगवान घर में रखने और पूजा की विधि क्या है। पत्थर के स्वरूप में धरती पर रह रहे भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप को तुलसी के साथ विवाह करने से घर में व्यापक धन की कमी, कलेश, कष्ट और रोग भी दूर हो जाते हैं। शालिग्राम को तुलसी के साथ रखने के साथ ही घर के किसी पवित्र स्थान या मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं, जहां आप शालिग्राम की विधिवत पूजा कर सकें। धार्मिक मान्यता के अनुसार शालिग्राम भगवान की पूजा बहुत ही नियमों के साथ करनी चाहिए, अन्यथा घर में अशांति आती है। यदि आपने शालिग्राम को घर के मंदिर में स्थापित कर रखा है तो उसमें रोज़ तुलसी दल या तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विष्णु जी को प्रिय है और विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शालिग्राम की पूजा में तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ाने से धन वैभव मिलता है। एक से अधिक शालिग्राम रखने से आर्थिक संकट व बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शालिग्राम की एक ही शिला की भक्ति भाव से घर में पूजा करनी चाहिए।
कभी भी शालिग्राम की पूजा करते समय या शालिग्राम की शिला घर में रखते समय मांस मदिरा का सेवन न करें। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही धनहानि और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। यदि घर में शालिग्राम है तो उनकी नियमित पूजा होनी चाहिए। ये थी जानकारी कि शालिग्राम क्या है और कैसे करें विधिवत तरीके से पूजा। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।